हेलो भाइयों, क्या हाल है? सबको नमस्ते। और आज हम बात करेंगे उस लेजेंड की गाड़ी के बारे में जो कि है स्कॉर्पियो, जो कि शुरू से सबकी पसंद रही है। क्योंकि आज का जो इस टाइम चल रहा है उसमें कुछ लोग का ये मानना है कि जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी उसकी ज़्यादा मस्कुलर लुक थी, वो ज़्यादा बढ़िया थी। और वहीं अगर दूसरी साइड बात करें ऑन द अदर हैंड, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं जो नई वाली स्कॉर्पियो उसमें बेटर कम्फर्ट, बेटर फीचर एंड बेटर लुक्स हैं। तो दोस्तों, आपने पुरानी वाली स्कॉर्पियो देख रखी है तो नई के बारे में आज हम बात करेंगे। और चेक कर सकते हैं आप गाड़ी की फ्रंट लुक, काफ़ी जो इसकी लुक है वो बढ़िया बनाई गई है, जैसे न्यू वाली गाड़ी के हिसाब से, न्यू जनरेशन के हिसाब से, जो मॉडर्न आज जैसे कारें बन रही हैं आजकल उस हिसाब से बहुत बढ़िया इसकी लुक है। चेक कर सकते हैं इसकी लाइट्स, इसकी ग्रिल, जो इसकी साइड प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस ऑफर कर रही है, जो इसके लॉयल भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। बात करें कार के इंटीरियर की तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉफ़ी कलर का जो अंदर टच दिया गया ना, दिल जीत लिया भाई इसने तो। जो मतलब काफ़ी, जैसे आप देख सकते हैं एमजी वगैरह वो कैसे ब्राउन ब्राउन से देते हैं, वो थोड़ा अजीब लगते हैं। कॉफ़ी कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है और काफ़ी अच्छी है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ कार रखती है, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाली है ऑफ रोड में। आपको अच्छे खासे इसमें सोनी का स्पीकर मिलने वाला है, चेक कर सकते हैं आप, वो भी आपको मिलेगा फ्रंट डैशबोर्ड में। चेक कर सकते हैं आप स्कॉर्पियो की बैजिंग, ब्राउन इंटीरियर, और जो एसी वेंट है वहाँ पे आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा जो कि ब्लैक क्रोम है। इसमें आपको ऑटोमेटिक मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा और देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको चार्जिंग केबल और पीछे वाली सीट देख सकते हैं आप, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, काफ़ी बढ़िया इसकी सीट्स हैं, बिल्कुल मस्कुलर कंफर्टेबल पकेट सीट्स हैं इसकी। और 60-40 में, सॉरी, इसका रेशियो में डिवाइडेड हैं सीट्स। चेक कर सकते हैं आप इनोवा की, इनोवा नहीं हम फॉर्च्यूनर भी कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्पेस प्रोवाइड करवा देती है। तो चेक कर सकते हैं आप पीछे वाले, इसकी दोनों सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे, देख लीजिए। जो भी जो इसकी सीट्स हैं वो भी इसकी ब्राउन कलर की आपको मिलेंगी। इसका इंटीरियर जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी बेहतर किया गया है, आपको कुछ आफ्टर मार्केट करवाने की ज़रूरत नहीं है। 1% भी अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे इसके इंटीरियर वगैरह से, क्योंकि महिंद्रा ने हर चीज़ कमी पूरी करने की कोशिश की है। अच्छी खासी से आपको स्पेस मिल जाती है, आपकी लातें टच नहीं होंगी। देख सकते हैं यहाँ पे आप सीट को टंबल करके पीछे जा सकते हैं। डिस्प्ले आपको बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाएगी, देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपको एसी कंट्रोल मिल जाएगा, डुअल जोन आपको मिलेगा, लेफ्ट साइड का अलग कंट्रोल कर सकते हैं, राइट साइड का आप अलग कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चेक कर सकते हैं आप कार की फ्रंट लुक एक बार, ग्रिल, लाइट्स, और नीचे आपको DRL मिल जाती हैं, काफ़ी बढ़िया है गाड़ी है। ब्लैक कलर, वाइट कलर ऐसे हैं जो लोग सदाबहार कलर हैं सबको पसंद आते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।